तो कोरोना वायरस के मोर्चे पर देश के लिए एक बड़ी राहत की खबर। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1247 नए मामले सामने आए और 1247 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,45,527 हो गई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,860 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,966 हो गई है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 50,50,62,966 हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से दुनिया भर में अब तक 61,99,933 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में रोजाना संक्रमण दर 0.83% जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.32% दर्ज की गई, जबकि संक्रमण से मृत्यु दर 1.21% है। देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 186.54 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरोत्तम जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। नमस्कार सर। जिस तरीके से कोविड की तीन लहरें देश झेल चुका है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से जब आंकड़े बढ़े पूरा देश चिंता में आ गया था क्योंकि जिंदगी और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आई थी, फिर से केसेस बढ़ने लगे, लेकिन कल का जो ब्यौरा सामने आया है उसमें गिरावट आई है, क्या कहेंगे अभी आपके पास क्या जानकारी, आने वाले दिनों में किस तरीके से एहतियात लोग बढ़ते हैं? राजस्थान और विशेषकर जयपुर हम पूरी तरह सतर्क हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी नई एक्टिविटी के लिए हम पूरी तरह से सजग हैं जी। हमारे डिपार्टमेंट और राजस्थान सरकार पूरी तरह से इसके लिए काम कर रही है। हमारी पूरी कोशिश है, हमारी टीम काम कर फील्ड में काम कर रही है। हम केस डिटेक्ट कर रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं, केस को जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके घर पे जाकर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी दवाइयां पहुंचा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान में यदि वो लहर आती है तो इसको हम वापस पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे जी। अभी स्थिति यह है कि हमारे पास बहुत कम केस हो गए हैं और पूरी तरह से हमने कंट्रोल किया हुआ है। आगे भी कैसी अवस्था होगी उस तरह से हमारी एक्टिविटी रहेगी, जारी रहेगी और निश्चित रूप से हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल सर, कोविड को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाला जो निर्णायक तत्व है वो है कोविड रोधी टीका। राजस्थान की अगर बात करें तो हमेशा से अग्रणी रहा, टीके की बात हो या फिर बच्चों की स्कूल्स खुलने के बाद में उनकी सुरक्षा की बात हो, अगर अब नई लहर आती है या फिर यही वेरियंट फैलता है तो क्या अभी फीसदी है कोविड रोधी टीके का जो माफ कीजिएगा राजस्थान में अब तक बच्चों समेत बुजुर्गों को और जो अलग से डोज है वो लग चुकी है? कोविड टीकाकरण कारण ये स्थिति बनी है कि तीसरी लहर आने के बावजूद राजस्थान के अंदर विशेष जयपुर के अंदर कोई ज्यादा केस नहीं आए, एडमिशन ज्यादा नहीं हुए, मैक्सिमम 48 तक केस हमारे एडमिट हुए तीसरी लहर में। घर पर ही उनका ट्रीटमेंट किया हमने और साधारण बीमारी के रूप में ट्रीटमेंट करके उनको सही किया हमने। टीकाकरण बहुत अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ पर। प्रथम डोज लगभग हम 108% लोगों को लगा चुके हैं, दूसरे डोज भी लगभग 100% लोगों को लगा चुके हैं और अब हमारे बूस्टर डोज के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, बूस्टर डोज लगाई जा रही है बच्चों के लिए 12-14 और 15-18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी रूप से कमी 50 की बीमारी का प्रकोप कम हुआ है। बिल्कुल, और बहुत ध्यान दिया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, जयपुर प्रशासन द्वारा मैक्सिमम लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। स्कूल जाकर हम टीकाकरण कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि हम इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे SMS के CMHO नरोत्तम शर्मा जी, बात करते हुए फर्स्ट इंडिया के साथ में उन्होंने जानकारी दी। लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद जो नैतिक दायित्व है एक व्यक्ति का वो निभाना जरूरी है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करना होगा, साथ ही मास्क जो कि अब रेयर ही देखने को मिल रहा है उसको भी लगाना होगा, चूंकि केसेस तो बढ़ ही रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है, अगर कल कम हुए हैं तो आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कोशिश यही करनी होगी कि यहां पर तमाम एहतियात बरते जाएं।